तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? आपकी चीख सुन के हम यहाँ पे आए। आप रक्षा के लिए पुकार रही थी। हम लोग को लगा कि कहीं आप किसी विपत्ति में तो नहीं। हम कोई विपत्ति में नहीं है, कोई संकट नहीं है। छोड़ दो, मैं विनती करती हूँ, मेरी समाधि मत बना। क्षमा के योग्य नहीं है। मृत्यु रहित होकर तुम संसार को आतंकित करो, उससे पूर्व तुझे संसार से दूर कर देना आवश्यक है। दाओ उस वृक्ष को वहाँ पे वहीं पे रोक दीजिए। यदि मैंने कभी किसी के साथ छल ना किया हो, मेरा सका सुदामा जीवित हो जाए। ये चारों इस वक्त कहाँ? दाऊ इतनी रात को आप सब कहाँ जा रहे हैं? जहाँ तुम जा रहे हो काना। जहाँ हमारा सखा वहाँ हम नहीं। दाऊ आप सब लौट जाइए, इस अभियान में मैं अकेले ही नहीं। काना गुरुदेव ने हमें आज्ञा दी कि इस अभियान में हम सब तुम्हारे साथ रहें। और वैसे भी सखा एक से भले दो और दो से भले चार। गुरुवर की आज्ञा मेरे लिए शिरोधार्य है। ताऊ अब तो बता दीजिए कि हम सब कहाँ जा रहे हैं। हाँ दाऊ पहेलियां मत बुझाई। अब क्या तुम सबको नहीं पता कि हम कहाँ जा रहे हैं? पता होता तो पूछते क्यों कृष्ण? गुरुदेव ने मुझे आज्ञा दी इन सबको लेकर कृष्णा के साथ जाऊं और मैंने सोते से उठाकर यहाँ लेकर आया। अब मुझे भी नहीं पता कि हम कहाँ जा रहे हैं। बढ़ेंगी कठिनाइयां, देने होंगे इम्तिहान। है अभियान बहुत कठिन, नहीं आसान। समय से पूरा करना होगा काम। आगे बढ़ खोल कर आंख और कान। ये कैसा संदेश था और हम कहाँ जा रहे काना? एक बार दो चूहे थे, दही खाने के लालच में वो दोनों एक दही के घड़े में कूद गए। उनको ये क्या पता था कि दही का घड़ा कितना गहरा है। उनमें से एक ने अपना साहस छोड़ दिया और उसकी वहीं पर मृत्यु हो गई। परंतु दूसरे चूहे ने उसी घड़े के भीतर दौड़ दौड़ के दही को मक्खन बना दिया और फिर उसी मक्खन पर चढ़कर बाहर आ गया और अब तक जीवित है। अब बताओ कौन सा मार्ग चुनना चाहोगे, पहले चूहे वाला या दूसरे वाला? दूसरे वाला, दूसरे वाला, वाला। कदाचित गुरुवर ने हम सभी को इस बात का ज्ञान पाने के लिए ही एक साथ भेजा है।